Hello everyone, once again I have come with a video. Here I will tell you some advanced sentence framing. कभी कभी ऐसा होता है हम ग्रामर नहीं जानते हैं, ग्रामर नहीं समझ पाते हैं, तो लेकिन बिना ग्रामर के हम इंग्लिश बोल सकते हैं? Yes, of course. ऐसा होता है कुछ सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश होते हैं, जिन सेंटेंस को आप बिना ग्रामर के जाने हुए भी सीख सकते हो. कुछ सेंटेंस फॉर्मेट बताऊंगा मैं आपको आज, जो सेंटेंस फॉर्मेट आप कॉमनली बोलते हो कई बार, तो उन सेंटेंस फॉर्मेट पे बस आपको वहां पे सेंटेंस जोड़ने हैं, वर्ड्स लिखने हैं, आप उस सेंटेंस को इजीली बोल पाओगे. नोटबुक पहले की बैठिएगा, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो. सो लेट्स लर्न सम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा अच्छा, आप उसे सबक सिखा रहे थे, मुझे लगा आप उसे पसंद कर रहे थे. हम सेंटेंस बोलते हैं अच्छा अच्छा ऐसी बात थी, अच्छा अच्छा वो हुआ था. सिंपल सेंटेंस आपने अच्छा अच्छा लगा दिया, उसमें गुड गुड यूज मत करिएगा. अच्छा अच्छा मतलब ये नहीं कि अच्छा, ये यहाँ अच्छा अलग है. अच्छा यहाँ कई तरह के अच्छा होते हैं, यहाँ अच्छे से मतलब ओके. तो अच्छा अच्छा आप उसे सबक सिखा रहे थे, मुझे लगा आप उसे परेशान कर रहे हो. तो ओके यू वर टीचिंग हिम अ लेसन. ओके यू वर टीचिंग हिम अ लेसन, आई थॉट यू आर बॉदरिंग हिम. वी कैन टेक सम मोर इंस्टेंसेस, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा. हाउ टू से अच्छा अच्छा आपके पास पैसे नहीं है, मुझे लगा कि आप बहाने बना रहे हो. अच्छा अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे लगा बहाने बना रहे हो. ऐसे बोलते हैं दोस्तों बहुत, अच्छा तुम्हारे पैसे नहीं, ये वाली बात है. अच्छा ओके यू डोंट हैव मनी, आई थॉट यू वर मेकिंग एक्सक्यूज. अच्छा अच्छा आपके पास पैसे नहीं है. ओके यू डोंट हैव मनी, मुझे लगा कि आप बहाने बना रहे थे. ओके यू डोंट हैव मनी, आई थॉट यू वर मेकिंग एक्सक्यूज. ऐसे बना सकते हो. सर अच्छा अच्छा आप यहाँ रहते हो, मुझे लगा कि गांव से हो. अच्छा अच्छा तो तुम यहाँ रहते हो, मुझे लगा कि आप गांव से हो. ओके यू लिव हियर, आई थॉट यू वर फ्रॉम विलेज. अच्छा अच्छा आप यहाँ रहते हो, कोई व्यक्ति रह रहा है, आपने देखा आपकी कॉलोनी में यहाँ रह रहा है, बोलते ओ हो ये यहाँ रह रहा है. तो अच्छा ओके यू लिव हियर, आई थॉट यू वर फ्रॉम विलेज, आप गांव से थे. तो आप पहला सेंटेंस प्रेजेंट बना सकते हो, सेकंड सेंटेंस को आप पास्ट में बना सकते हो. अच्छा अच्छा आपका फोन चार्ज नहीं था, मुझे लगा कि आपने मुझे जानबूझ के कॉल नहीं किया. अच्छा अच्छा आपका फोन चार्ज नहीं था, मुझे लगा कि आपने जानबूझ के कॉल नहीं किया. तो हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज कमेंट. अभी हमने सीखा अच्छा अच्छा. अब कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग होते हैं जो बच्चे छोटे बच्चे भी बोलते हैं. सो वी कैन टेक सम हिंदी इंस्टेंसेस लाइक सर हाउ टू से लगता तो नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं है. लगता तो नहीं है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो लगता तो नहीं है. या तो बोल सकते हो आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक दैट यू डोंट हैव मनी. सिंपल बना सकते हो, लेकिन इसको आप एक फॉर्मेट में तैयार करिएगा. अगर आप अलग अलग फॉर्मेट तैयार करोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं कहूंगा आपसे कि एक सेंटेंस को अभी ऐसे ही रट लीजिएगा, ऐसे बोल सकते हो. तो इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस, इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस. जैसे लगता तो नहीं है आपके पास पैसे नहीं है, इट डजंट सीम दैट यू डोंट हैव मनी, इट डजंट सीम दैट यू डोंट हैव मनी. ऐसे सेंटेंस को बना सकते हो, लगता तो नहीं ऐसा है, इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस. कुछ और सर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता आप बाइक चलाना जानते हो. आपको देख के लगता तो है नहीं आपको बाइक चलाना नहीं आती है, क्या आपको बाइक चलाना नहीं आती होगी, लगता तो है आपको आती है. लेकिन तो इट डजंट सीम दैट यू डोंट नो राइडिंग बाइक, इट डजंट सीम दैट यू डोंट नो राइडिंग बाइक, इट डजंट सीम दैट यू डोंट नो राइडिंग बाइक. लगता तो नहीं आपको देख के आप बाइक चलाना नहीं आती है. लगता तो नहीं है कि आप चिंतित हो, लगता तो नहीं है आप चिंतित हो. इट डजंट सीम दैट you are worried, it doesn't seem that you are worried. लगता तो नहीं आप चिंतित हैं. आप देखें घर में कुछ कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे हैं, उनके एग्जाम चल रहे हैं, पेरेंट्स बोलते हैं उनसे मम्मी मैं तो बेटा तो एग्जाम चिंता ही नहीं है. अरे वो चिंता है, लगता तो नहीं तो देख करके. तो इट डजंट सीम दैट यू आर वर्ल्ड अबाउट एग्जाम. एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, कमेंट कर सकते हो. लगता तो नहीं है कि आपको पैसे जरूरत है, लगता तो नहीं है कि आपको पैसे की जरूरत है. हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, प्लीज कमेंट. हाँ हाँ तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो. हाँ हाँ तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो. यस ऑफ कोर्स, मतलब हाँ हाँ आप भी इंग्लिश बोल सकते हो. यस ऑफ कोर्स यू आल्सो कैन स्पीक इंग्लिश. हाँ हाँ आप भी इंग्लिश बोल सकते हो. यस ऑफ कोर्स यू आल्सो कैन स्पीक इंग्लिश. तो यहाँ यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस बना सकते हो आप सिंपली. हाँ हाँ मैंने ये काम किया है. यस ऑफ कोर्स आई हैव डन इट. हाँ हाँ मैं ही आतंकवादी हूँ, ऐसे ना होगा. हाँ हाँ मैं ही गुनहगार हूँ. हाँ हाँ वही ऐसा है. हाँ हाँ वही चोर है. तो हाँ हाँ यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस बना दीजिए. कुछ और एग्जांपल लेते हैं फिर सीखते हैं. हाँ हाँ यहाँ पे सबसे पहले आई थी. हाँ हाँ मैं यहाँ सबसे पहले आई थी. हाँ हाँ मैं यहाँ पे आई सबसे पहले.
तो यस ऑफ कोर्स आई केम हियर फर्स्ट, यस ऑफ कोर्स आई केम हियर फर्स्ट, हाँ हाँ मैं यहाँ से पहले, हाँ हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, हाँ हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अब घर में क्या क्लेश हो गया होगा कोई ना कोई, उन्हें कह दिया अब जो और देखा जाएगा, हाँ हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ, यस ऑफ कोर्स आई लव हर, यस ऑफ कोर्स आई लव हर। तो एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, यस ऑफ कोर्स प्लस सेंटेंस फॉर्मेट आप बना सकते हो, तो यू कैन मेक वन सेंटेंस, यू कैन कमेंट लो, हाँ हाँ वो भी मुझसे प्यार करती है, हाँ हाँ वह भी मुझसे प्यार करती है। हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस प्लीज कमेंट। वी हैव डन सो मेनी सेंटेंस फ्रेमिंग एंड दीज आर सम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स जिन्हें आप बिना ग्रामर के भी सीख सकते हो। आप ग्रामर का फॉलो नहीं करना, हालांकि इसमें ग्रामर फॉलो हो रही है, लेकिन आपको क्या करना है सेंटेंस को बस अब पढ़ना है और बोलना शुरू कर देना। जब भी कभी आपके सेंटेंस आते हैं आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। सो लेट्स लर्न वन मोर। आपके साथ समय का पता ही नहीं चला, आपके साथ समय का पता ही नहीं चला। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसके साथ वो समय का पता नहीं चलता है, तो सिंपली बोल सकते हो टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस, टाइम फ्लाइज प्लस सेंटेंस। अगर इसको पता ही नहीं चला तो टाइम फ्लू बोल सकती हो, टाइम फ्लू प्लस सेंटेंस। समय उड़ जाता है, समय निकल जाता है, समय कब निकल गया कुछ पता ही नहीं चला, इसको कैसे बोलते हो समय पता ही नहीं चला, समय कब निकल गया पता ही नहीं चलता, समय कब निकल जाता है काम करते करते, तो समय निकलना होता है टाइम फ्लाइज, समय उड़ जाता है। तो आपके साथ समय का पता ही नहीं चला, इनका सेंटेंस पास्ट में है, आपके साथ समय का पता ही नहीं चला, तो टाइम फ्लू विद यू, टाइम फ्लू विद यू। जब मैं आपके साथ होता हूँ समय पता ही नहीं चला, तो टाइम फ्लू विद यू। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं सर, हाउ टू से डेट रील देखते देखते कब समय निकल जाए पता ही नहीं चलता। हाँ रील देखते देखते इंस्टाग्राम पर रील देखते कब समय निकल जाता पता ही चलता है, समय निकल जाता पता ही चलता है। तो टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम, टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग रील्स, समय निकल जाता रील देखते रहो समय कब निकल पता ही चलता, तो टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग रील्स। How to say, sir, आपसे बात करते करते कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता, आपसे बात करते करते समय कब निकल जाता है पता ही चलता है, तो टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग विद यू, टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग विद यू। एक सेंटेंस आप भी बना सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों के साथ बैठे बैठे कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता, दोस्तों के साथ बैठे बैठे कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। इस सेंटेंस को आप बना सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज कमेंट लो, दोस्तों साथ बैठे बैठे कब समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। क्या यहाँ आसपास कोई होटल है, क्या यहाँ आसपास कोई होटल है, कोई चीज क्या यहाँ आसपास है, तो आसपास बोलते हैं नियर बाय, नियर बाय। क्या यहाँ कोई होटल है, इज देयर एनी होटल नियर बाय। आप कहीं किसी नए एरिया में फंस गए हो, आपको बोलना है इंग्लिश में, तो बोल सकते हो इज देयर एनी होटल। सर हाउ टू से, सर क्या यहाँ आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, क्या यहाँ आसपास कोई पोस्ट ऑफिस है, हम पूछते हैं कोई पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, तो इज देयर एनी पोस्ट ऑफिस नियर बाय, इज देयर एनी पोस्ट ऑफिस नियर बाय। यहाँ कोई आसपास पेट्रोल पंप है, क्या यहाँ आसपास कोई पेट्रोल पंप है, जैसे लोग पूछते लोग आपकी पेट्रोल खत्म हो गई, आप बाइक चला रहे हो खत्म हो गई, पूछे भाई कोई आसपास पेट्रोल पंप है, तो बजाय इंग्लिश के बजाय हिंदी का आप इंग्लिश में बोल सकते, पूछ सकते हो उससे इज देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय, इज देयर एनी पेट्रोल पंप नियर बाय। यहाँ आसपास कोई सब्जी मंडी है, क्या यहाँ आसपास कोई सब्जी मंडी है, यू कैन कमेंट बिलो एंड यू कैन प्रैक्टिस। किस्मत से मैं बहुत सुरक्षित हूँ, किस्मत से, तो यहाँ सेंटेंस बनाएंगे लकीली, लकीली प्लस सेंटेंस, किस्मत से मैं सुरक्षित हूँ, लकीली आई एम सेफ, लकीली आई एम टू से सर किस्मत से मेरा फोन साइलेंट पे था, किस्मत से मेरा फोन साइलेंट मोड पे था, नहीं तो मम्मी या पापा को सुनाई दिया था तो वहीं पे कुछ होगा कांड हो जाता भी। जब कोई ऐसी बातें आती है मन में, किस्मत से मेरा फोन साइलेंट मोड पे था, चलो अच्छा वो तुम्हारा फोन आया साइलेंट मोड पे था किस्मत से, तो लकीली, Luckily my phone was on silent mode. Luckily my phone was on silent mode. Otherwise my mother would have seen it. Yeah, my mother would have picked the call. मम्मी उठा लेती, मम्मी देख लेती अभी तो क्या होता? तो किस्मत से. Luckily my phone was on. किस्मत से उस दिन मेरे पास पैसे थे. किस्मत से मेरे उस दिन मेरे पास पैसे थे. किस्मत से उस दिन मेरे पास पैसे थे. Luckily I had money that day. किस्मत से मेरे पास उस दिन पैसे थे तो अच्छा हुआ समय काम कर लिया. तो लकीली आई हैड मनी दैट डे. इस तरह से बना सकते हो किस्मत से. आप एक सेंटेंस आप बना सकते हो, किस्मत से वो लोग सही सलामत घर वापस आए. तो हाउ वुड यू मेक दिस सेंटेंस, यू कैन कमेंट लो किस्मत से. लकीली प्लस सेंटेंस आप बना सकते हो, यू कैन मेक इट. सो दीज आर सम सेंटेंस फॉर्मेट्स
ये आपके एडवांस इंग्लिश के कुछ सेंटेंस फॉर्मेट हैं, केवल इन फॉर्मेट पे ही आप सेंटेंस बना सकते हो. आई वुड बी मेकिंग सम मोर वीडियोस रिलेटेड टू दिस एडवांस फ्रेमिंग, सो यू कैन कमेंट दिस सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. थैंक यू.